नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दामिनी और राधा की फाइट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों इधर राधा का बोलना भी सही है अपनी जगह। राधा ने बोला है कि तुम मुझे इस ऑफिस से बाहर क्यों निकालना चाहती हो और ख़ास करके इस केबिन से क्यों निकालना चाहती हो। क्योंकि दोस्तों दामिनी का इस केबिन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और दामिनी का मानना यह है कि अगर मैं एक बार यहाँ पर एक्सपोज हुई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बाहर हो जाऊँगी और वही चीज़ नहीं होने देना चाहती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में दोस्तों और भी घना दिलचस्प तब देखने को मिलेगा जब मोहन की माँ खुद सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। कहीं ना कहीं झूठे की सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, वो भी दामिनी को, दामिनी के पक्ष में बोलेगी। लेकिन उसका बोलना दामिनी के पक्ष में नहीं है बल्कि वो चाल खेल रही है। वो इस समय दिल से राधा के साथ में है, क्योंकि खुद इस चीज़ को अगर बात की जाए तो मोहन की माँ भी चाहती हैं कि इस दामिनी का पर्दाफाश हो और दामिनी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस घर में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उन सब के पीछे का जो रीज़न है वो कोई और नहीं बल्कि दामिनी ही है। और दामिनी को बाहर करने के लिए इस समय कुछ भी कर सकती हैं राधा के पक्ष में मोहन की माँ। साथ ही दोस्तों राधा से चैलेंज देती हुई नज़र आने वाली हैं दामिनी। दामिनी बोलती हुई नज़र आएंगी कि अगर आज के अंदर मेरे केबिन में बिगर पूछे अगर दस्तक भी दी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय तुलसी भी सुन रही है, क्योंकि दोस्तों तुलसी की मदद से अब आखिरकार दामिनी लेगी तुलसी की मदद से अब राधा लेगी दामिनी से एक नया बदला और एक नए प्रकार के साथ में। साथ ही दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू।